बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं उलामा ताल हसन। नाज़रीन, दुआ ज़हरा का जो मसला है कई माह से चल रहा है, मगर वालदैन दर बदर ठोकरे खा रहे हैं। बेटी अपनी जगह कभी कहीं कभी कहीं, वो अपनी जगह परेशान और ज़िंदगी अजीरन उसकी गुजर रही है। तो नाज़रीन, इस पर बड़े बड़े लोग मुलव्वस हैं, बड़े बड़े तंजीमात इसके अंदर दाखिल हो गई हैं। बजाय इस मसले को हल करने के, हर एक ने इसको तमाशा बना कर रख दिया और मीडिया पर जीनत बना दिया। देखिए नाज़रीन, अगर चाहते तो ये मसला हल हो सकता था, चाहे अदालत कर देती, चाहे वहां पीपल्स पार्टी की शहला रजा है जो इसमें मुलव्वस है, जिसके पीछे उसके वालिदैन की ये खड़ी है। हालांकि ये बा असर खातून है शैला रजा, वो चाहती तो इसके मामलात को हल करके बिठा के इनकी आपस के अंदर सुलह करवा सकते थे। मगर क्या है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हमें तमाशा देखने का शौक है और दिखाने का शौक है। नाज़रीन देखिए, इसके अंदर वालिदैन का भी कसूर है कि दुआ ज़हरा जो बता रहे 14 साल की, आपने उसकी काश तरबियत दीनी लिहाज से भी की होती, काश उसकी इस्लाह की होती, काश उसके हाथ के अंदर छोटी उम्र में आपने मोबाइल न दिया होता, उसको सिखलाते कि वालिदैन की इज्जत क्या है, उसको बताते कि आप मुआशरे के अंदर कैसे जीना है। तो नाज़रीन, मैं समझता हूँ इस्लाम जो बेटियों को इजाजत देता है निकाह करने की, वो वहाँ वालिदैन को ये हक दिया है कि वो बेटियों से पूछे कि वो यहाँ शादी करना चाहती है कि नहीं चाहती। बेटियों की इजाजत के साथ में शुरू होता है वालिदैन। मगर अगर बेटी ने गलती कर ली, उसने नाजायज किया, उसने अपने आप के साथ भी ज्यादती की, उन वालिदैन को भी रुला के रख दिया। आज नाज़रीन पेशी थी अदालत के अंदर, हाई कोर्ट अदालत के अंदर, वालिदा बेहोश हो गई और उसका वालिद जो काजमी है वो बेयारो मददगार, और वो दलाइल दे रहा है। वो कह रहा है कि 16 साल तो हमारी शादी को हुए, मेडिकल रिपोर्ट भी झूठी बनाकर दे दी गई कि वो 17 या 17.5 साल की है। नाज़रीन, इस मुल्क का यही अलमिया है कि यहाँ कानून अंधा है, देखता नहीं है किसी को। रिपोर्ट बनाने के अंदर नाज़रीन दुआ ज़हरा, जबकि 14 साल उसके वालिद के बकौल के 16 साल हमारी शादी को हुए, तो भाई मुझे बता दे, वो 17 साल पहले ही शादी से पैदा हो गई। नाज़रीन, आज पहले ये अगवा का केस चल रहा था, अदालत ने उसको बाजियाब करवाया। अदालत का बहुत बड़ा ये कारनामा है, अदलिया ने बाजियाब कराया जब ये 6 तारीख को वहां पेश होती है बच्ची, लेकिन उसने वालदैन के साथ जाने से इनकार कर दिया। तो नाज़रीन, यहीं पे बात खत्म कर देनी चाहिए, वालदैन को दिल पे पत्थर रख लेना चाहिए था। जब बेटी ने आपकी इज्जत का ख्याल नहीं किया, तो मैं समझता हूं फिर ऐसी बेटियों को भी लातलक हो जाना चाहिए, वालदैन को पीछे नहीं पड़ना चाहिए। खुद धक्के खाएगी, खुद जलील होगी, खुद जब वालदैन की जो औलाद अपने वालदैन की इज्जत का ख्याल नहीं करती, जलील करती है, तो याद रखना नाज़रीन, अल्लाह का कानून है, वो औलाद धक्के खाती है, जलील होती है, फिर एक न एक दिन उनको वालदैन की याद जरूर आती है। तो बहरहाल, ये चूंकि वालदैन का एक दिल ही ऐसा है, वालदैन की मोहब्बत ही नाज़रीन एक ऐसी है कि जो आज पेश हुए अदालत के अंदर, जब मेडिकल रिपोर्ट्स दुआ ज़हरा की पेश की गई, तो वहां पर वालदा और वालिद मौजूद थे, वालदा बेहोश होकर गिर गए, और बकौल उसके वालिद के, हम बेटी से आज मुलाकात, जो आज 8 जून है, वहां पर मुलाकात हुई, बेटी घर जाने के लिए राजी हो गई, मगर अदालत को बताया गया, जज ने कहा कि नहीं, बयान एक बार होता है, बयान बार बार नहीं होता, लिहाजा अदालत ने वालिदैन के साथ जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और जाहिर अदालत कानून देखती है, शवाहद देखती है, उसने बयान हल्फी दिया हुआ है, मगर उसके वालिदैन बजिद हैं कि हमारी बच्ची हमारे पास आनी चाहिए। तो
तो नाज़रीन औलाद अगर ठीक है, वालिदैन बेचारे मोहब्बत के अंदर हैं, मगर इसके अंदर शहला रजा वहां की हुकूमत को अहम किरदार अदा करना चाहिए। उन जो लड़के वाले हैं उनको भी बिठाना चाहिए, इनको भी बिठा कर आपस के अंदर चलो निकाह हो गया, बात को खत्म करें भाई, इनकी आपस के अंदर सुलह करवा दें। उनको कहे चलो ठीक है, बच्ची ने गलती कर ली, करनी नहीं चाहिए थी, इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता, वली के बगैर निकाह ही नहीं होता। नाज़रीन याद रखिए, फिर वो 14 साल की है, कैसे निकाह हो गया? तो इसके हम सब मुजरम हैं। तो नाज़रीन ये शहला रजा और दीगर पार्टी की क्यादत को, कराची की क्यादत को चाहिए कि वो बीच में पड़े, मामले को पंचायती तौर पर हल 1 घंटे के अंदर हो सकता है, लेकिन नहीं, हम तमाशा लगाते हैं बेटियों का, हम वालदैन का तमाशा लगाते हैं। तो नाज़रीन ये दुआ ज़हरा के जो थी आज की कार्रवाई अदालत के अंदर, बहरहाल अदालत ने वालदैन के साथ नहीं भेजा, इस पर मजीद जो कार्रवाई होगी आपको उससे आगाह करते रहेंगे, लेकिन अपनी बच्चियों का ख्याल कीजिए, अपने बच्चियों की तरबियत कीजिए, अपनी बच्चियों की इसलाह कीजिए। अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लों की हिफाजत फरमाए।